नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले सौगात मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ ही बिहार के करीब 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाएं, 45,935 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला घर तक फाइबर कार्यक्रम शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बधाई देता हूं। ये बिहार के लिए बड़ा है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए भी बड़ा दिन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है। एक दिन में बिहार के 45,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। कृषि बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्ज्वल भविष्य के आश्वासन लोगों को भी देता हूं और इसके लिए बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे, आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से, वहां से जो रिपोर्ट मिली है कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30% ज्यादा देकर सरसों की खरीदी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों में दालें बहुत होती है। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25% तक का ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा, क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी, क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर
तीन बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, युवा भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है और खुशी ये है कि इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय के तहत में नल जल नली गली बिजली की स्थिति देखने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम कैमूर जिले में पहुंची और घर घर जाकर न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। वहीं अधिकांश लोगों ने नीतीश कुमार के नल जल योजना की खूब सराहना की, इसके तरह तरह के लाभ भी बताए। देखिए न्यूज वन इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। 11 के हर गली में जब न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची और वहां के पानी को लेकर गुणवत्ता के बारे में जब जानकारी ली, तो आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से पानी मिल रहा है। यहां पर पानी की जो धार है वो सही है, लोगों को पानी मिल रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची है, इससे बात करते हैं कि कितना फायदा मिला हुआ है, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या, पानी से कितना लाभ मिल रहा है। पहले कैसे पानी पीती थी आप लोग? तो शुद्ध पानी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनका नल जल योजना के लेकर क्या मंतव्य है। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? पहले में और आज में क्या अंतर दिख रहा है? पानी उनी मिल रहा है? हाँ, कितना दिन से पानी मिल रहा है? 4-5 महीना से पानी मिल रहा है, खुश है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, क्या नाम है चाचा आपका? परमेश्वर। पानी मिल रहा है आपको भी? जी। कितना दिन से? 5 महीने। खुश हैं इस योजना से? ला। रिपोर्टिंग के दौरान हमने डुमरी गांव के अगले घर का जायजा लिया और वहां पर हम पहुंचे, तो आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, इनसे हम बात करते हैं कि कितना फायदा इनको PhD विभाग के द्वारा जो घर में नल लगा है इससे मिल रहा है। आपको दिखाना चाहिए।